नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए या कब्ज के लिए इम्पॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर वो भी महिलाएं जो जिन महिलाओं की फैमिली ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और जिन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। सो बहुत से बार इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है और महिलाओं को लगता है कि शायद ये मेरे पीरियड्स आए हैं, और दो महीने बाद जब आपकी पीरियड्स पूरी तरीके से रुक जाते हैं और तब जाके आप जब अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिव आती है। सो एक्चुअली और तब वो जो प्रेगनेंसी होती है वो दो महीने की होती है, सोनोग्राफी पर दिखाई देती है। तो बट वो महिला कहती है मुझे पिछले महीने तो ब्लीडिंग हुई थी बट पीरियड्स मुझे आए थे, फिर प्रेगनेंसी कैसे ठहर सकती है। सो एक्चुअली आज हम बात करने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती क्या है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्प्लांटेशन मतलब क्या। इम्प्लांटेशन मतलब जब भी बीज और शुक्राणु एक आते हैं, यानी कि एग और स्पर्म का मिलन होता है, यानी कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद में जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वो एम्ब्रियो बच्चेदानी के इनर लाइनिंग को जब चिपकता है, एंडोमेट्रियम को, गर्भाशय के इनर लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम को चिपकता है, उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस के दरमियान अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो उसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, जो कि एक प्रेगनेंसी ठहरने का सिम्टम या फिर साइन हम कह सकते हैं। सो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है ओविलेशन, सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन, और थर्ड है इम्प्लांटेशन। ओविलेशन मतलब बीज का बीजाशय में से बाहर निकलना, फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का मिलन होना, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो बच्चेदानी गर्भाशय के इनर लाइनिंग को चिपकना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओविलेशन भी हुआ, फर्टिलाइजेशन भी हुआ बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो आपकी यूट्रस को अगर नहीं चिपक पाया, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। सो ये तीनों प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी होता है। सो इम्प्लांटेशन जो होता है ये यूट्रस में होता है, और फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का जो मिलन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन ये यूट्रस में नहीं होता है, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है, बट इम्प्लांटेशन ये जो होता है ये यूट्रस में होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद यूट्रस में आने के लिए, इम्प्लांटेशन होने के लिए, ओविलेशन के बाद कम से कम 6 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन भी इम्प्लांटेशन के लिए लग सकते हैं। सो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, ये बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि इम्प्लांटेशन की रफली 3 स्टेजेस होती है, जैसे कि अपोजिशन, एडेशन और इन्वेजन। अपोजिशन मतलब एम्ब्रियो एक बार फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगता है, यानी टू सेल स्टेज से फोर सेल्स, फिर 8 सेल्स, फिर 16 सेल्स, ऐसे कंटिन्यूसली डिवाइड होने लगता है। उसके बाद में वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आके रुक जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे आने के बाद ये इम्प्लांटेशन के लिए एम्ब्रियो रेडी हो जाता है। सो जब भी एम्ब्रियो और यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम, एम्ब्रियो जब एंडोमेट्रियम के पास आता है तो उसे हम अपोजिशन कहते हैं। सो ये अपोजिशन होने के बाद ये जो एम्ब्रियो की बाहर की लेयर होती है, ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर की लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो आगे चल के बच्चे की नाल बनाएगी यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगी, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जब एंडोमेट्रियम को, यूट्रस की इनर लाइनिंग को चिपकते हैं, उसे हम एडेशन कहते हैं। एक बार एडेशन होने के बाद ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ये कंटिन्यूसली इन्वेड करते हैं यूट्रस की लाइनिंग को, और एक बार इन्वेजन होने के बाद यानी कि पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो है वो यूट्रस के इनर लाइनिंग भीतरी लेयर तक पहुंच जाने के बाद पूरा इन्वेजन जब होता है, तब वहाँ जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो जाते हैं तो उसमें से जो कुछ भी ब्लड बाहर आएगा वो ब्लीडिंग करके आपकी वजाइना में से बाहर आएगा। सो ये ब्लीडिंग को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के वक्त जो भी ब्लड वेसल्स अगर रप्चर हो जाती है उसमें से जो ब्लड बाहर आ रहा है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाता है। सो ये जो ब्लीडिंग है ये कब होती है, राइट? सो जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो उसके 14 दिन पहले आपको ओविलेशन होता है, यानी कि पीरियड्स के 14 डे को अगर आपका ओविलेशन हुआ तो वहाँ से 6 to 12 days यानी कि पीरियड्स के 20 से 26 दिन के बीच में आपका इम्प्लांटेशन कभी भी हो सकता है। सो ये इम्प्लांटेशन होते वक्त आपको ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये जो ब्लीडिंग होती है ये पीरियड्स के जनरली 3 to 4 days या 1 week पहले भी हो सकती है, या पीरियड्स की जो आपकी नेक्स्ट पीरियड्स की जब डेट है तब वो पीरियड में भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि शायद मुझे पीरियड्स आ चुके हैं।
सो ये जो ब्लीडिंग होती है ये पीरियड से कैसे डिफर होती है, ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये बहुत ही हल्की होती है, स्पॉटिंग हो सकती है या हाफ पैड या वन पैड हार्डली सोक हो सकता है। इसका जो कलर होता है ये पिंकिश रेड या ब्राउनिश रेड की ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली ये जो ब्लीडिंग होती है ये एक या दो दिन के लिए होती है, उससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती है। और इसमें जो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, इसमें जनरली पेट दर्द नहीं होता है, जबकि पीरियड्स में जो पीरियड का ब्लड फ्लो होता है या कलर होता है वो डार्क रेड कलर का होता है या फिर ब्लड रेड कलर का फ्लो कलर आपका हो सकता है जो ब्लीडिंग का, वो जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो जनरली 4 डेज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है। और पीरियड्स में जो ब्लड फ्लो होता है वो 3 दिन 4 दिन के लिए, जितना आपका महावारी का ड्यूरेशन नॉर्मली होता है उतना, या फिर 7 डेज़ तक भी आपको पीरियड्स हो सकते हैं। और जनरली पीरियड्स ये जो होते हैं ये एब्डोमिनल पेन यानी कि डिसमेनोरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में पिंकिश रेड कलर की हल्की सी ब्लीडिंग होगी, शायद आपको सिर्फ स्पॉटिंग होगी या हाफ पैड सोक हो सकता है 1 या 2 दिन के लिए, और इसमें जनरली पेट दर्द नहीं होता है। सो ये चीज़ आपको देखना है कि अगर आपका प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए बट इस बार अगर आपके पीरियड्स इस तरीके से आए हैं यानी कि हल्की सी स्पॉटिंग हुई है या फिर 1 या 2 दिन के लिए ही है तो शायद आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। सो फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के कितने दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, जनरली तब भी शायद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, या फिर 3 to 10 days के लिए आपको रुकना चाहिए पीरियड्स अगर ब्लीडिंग अगर होती है उसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के लिए। सो टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडेज टॉपिक इज़, अगर आपको इस प्रकार की ब्लीडिंग होती है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको ये सोच के नाराज़ नहीं होना है कि शायद मेरे इस बार भी पीरियड्स आ चुके हैं और मुझे इस बार भी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपको इस बार प्रेगनेंसी ठहरी है और ये जो ब्लीडिंग है ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। और ये ब्लीडिंग उन महिलाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हैं यानी कि उन्हें अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। और ये ब्लीडिंग अगर इस प्रकार की हल्की सी गुलाबी रंग की स्पॉटिंग की तरह 1 या 2 दिन के लिए ब्लीडिंग होती है तो आपको ये नहीं समझना है कि आपके रेगुलर पीरियड्स आ चुके हैं, आपके शायद ये पीरियड्स नहीं होंगे, शायद आपको प्रेगनेंसी ठहर चुकी होंगी जिसकी वजह से आपको ये ब्लीडिंग हो रही है। सो बेस्ट वे, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या प्रेगनेंसी नहीं भी प्लान कर रहे हो और इस प्रकार की अगर आपको ब्लीडिंग आती है होती है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कुछ दिनों में ज़रूर करवा लेना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि आए आपको प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं ठहरी है। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज यूजफुल टू यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव में इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।